सोशल मीडिया पे तो बहुत बिजी हो, तो अपनी फैमिली को भी 2 मिनट का टाइम देना तो बनता है। सैफ और करीना का डिवोर्स होने वाला है, ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं और इसके बारे में हम आपको अपडेट भी देते भी रहते हैं। और अब एक नया अपडेट आया है। जी हाँ, इस पर रणबीर कपूर की माँ यानी कि नीतू कपूर ने रिएक्शन दिया है। जी हाँ, नीतू कपूर ने बताया है कि सैफ अली खान और करीना कपूर खान का डिवोर्स आखिर क्यों हो रहा है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि सैफ अली खान की जो मम्मी है उनकी वजह से ही ये डिवोर्स हो रहा है और उन्हीं की वजह से ही सैफ अली खान का पहला डिवोर्स यानी कि अमृता सिंह के साथ जो डिवोर्स हुआ था वो इसी वजह से हुआ था। बता दें, नीतू कपूर ने कहा कि शर्मिला टैगोर के इशारे पर चलते हैं सैफ अली खान। जी हाँ, नीतू कपूर के हिसाब से सैफ अली खान मामाज बॉय हैं और वो अपनी माँ की ही सारी बातें सुनते हैं। ऐसे में इसी वजह से ही करीना के साथ उनका रिश्ता खराब हो गया और इससे पहले अमृता के साथ भी इनका रिश्ता इसी वजह से खराब हुआ था। अब ऐसे में नीतू सिंह के इस रिएक्शन के बाद से तो सोशल मीडिया पर मामला गरमाया हुआ है। लोग किस्म किस्म के रिएक्शन दे रहे हैं, कॉमेंट्स कर रहे हैं। एक पर्सन ने कॉमेंट करते हुए लिखा कि आप उन्हें क्या बोल रही हो, आपका बेटा भी तो खुद ममाज बॉय है। जब भी आलिया को जरूरत होती है तो रणबीर उसके साथ नहीं बल्कि आपके साथ घूमते रहते हैं और तो और आलिया को अपने फ्रेंड्स के साथ ही हैंग आउट करते हुए देखा जाता है। इतना ही नहीं, एक और यूजर ने लिखा कि खुद के बेटे को ममाज बॉय आप क्यों नहीं बोलती हैं, आप भी तो अपने बेटे को अपने कंट्रोल में रखती हैं। इस हिसाब से तो आलिया का भी डिवोर्स हो ही जाएगा। बता दें कि यूजर्स ने इसी तरह से कमेंट्स करके नीतू कपूर के इस रिएक्शन पर जमकर बातें की हैं, उन्हें ट्रोल भी करने का काम किया है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में सैफ अली खान और करीना कपूर खान के डिवोर्स पर और क्या कुछ अपडेट आता है।